हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नल। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट और न्यू सिलेबस में एग्जाम देने वाले हो तो क्या आईसीए ने आपके पासिंग क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है, 50 से 55 कर दिया है या 45 कर दिया है 40 से, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप न्यू सिलेबस में एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, आपको सीए रिगार्डिंग सारी सारी अपडेट हमारे चैनल एक्टिव दे देगा। देखिए, अगर आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करो तो इसमें 1% भी चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करना है तो आपको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, आप सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% चाहिए पास होने के लिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको पूरा फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको 50% लाना है एग्रीगेट। ठीक है, समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पेपर नंबर 1, 2, 3 में तीनों में 90, 90, 90 आ गए, तो आप वैसे तो एग्रीगेट क्लियर कर चुके हो, 150 ही चाहिए है ना, लेकिन दूसरी कंडीशन जो इंडिविजुअल में 40 मार्क्स चाहिए वो आपने पूरा नहीं किया है तो आप पूरे फाउंडेशन एग्जाम में फेल हो जाओगे। आपको अगर पास करना है तो दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% आपको लाना है, और दूसरी आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट को मिला के मिनिमम 50% मार्क्स लाने। दो कंडीशन आपकी पूरी होगी तो आप फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। बाकी पासिंग परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसमें 1% भी आईसीए ने चेंज नहीं किया है। कुछ भी इसके रिगार्डिंग चेंज होता है तो सबसे पहले आपको हमारा चैनल बता देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपको सी रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल पर दे देगा। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।